नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में फैक्ट सिटी में स्वागत करता हूं भाई। और एक और वीडियो के साथ, प्रैक्टिस वीडियो के साथ, ठीक है। और ये वीडियो कौन सी होने वाली है भाई? मैथ की वीडियो होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, लेक्चर को भाई इंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। लास्ट हमारा लेक्चर नहीं आ पाया, वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, बट डोंट वरी, हो जाता है भाई, ठीक है। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। लास्ट क्लास हमने किसके लिए थी भाई? प्रैक्टिस बैच में रीजनिंग के लिए थी, ठीक है। बहुत से बच्चों ने लगभग भाई ये लगा लो आप 25 में से 24 में से 20 20 ठीक किए हैं, और किसी ने तो पूरे को पूरे ठीक किए हैं भाई। तभी तो मज़ा आता है जब पूरे को पूरे ठीक हों। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल दमदार, ठीक है। तो भी आज हम बात करने वाले हैं, क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन होंगे, 20 से 25 क्वेश्चन होंगे भाई। देखते हैं कितने आप लगा पाते हो, कितने आप में दम है, ठीक है भाई। कितने ये क्वेश्चन ईमानदारी से फिर बताना कि भैया कितने आपके क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है भाई। चलो भाई, वही तरीका, अपना वीडियो रोकिए और क्वेश्चन को लगाइए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो दोस्तों चलते हो, चलो भाई फिर करते हैं वीडियो की शुरुआत। क्वेश्चन वही है मेरे ऊपर आने वाला क्वेश्चन, और देखो आ भी गया क्वेश्चन। चलो तो फिर इसको फटाफट लगाइए, फटाफट भाई आंसर जरूर बताया करो, कितने आपके ठीक हुए, कितने आपके गलत हुए हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपने लगा लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन पहला आपने देख लिया होगा, चलो अब इसको लगाते हैं क्वेश्चन पहले को, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 16 है, उनका अंतर 2 है, यो उनका गुणनफल बताइए, और ऑप्शन आपके सामने है। देखो भाई, योग 16 है, ठीक है, और अंतर 2 है, इसको सॉल्व करूं क्या? ठीक है, तो देखो जोड़ के हाफ करोगे ना आपको बड़ी संख्या मिल जाएगी। देखो 16 दो 18 9 मिल गई, 16 में से 9 घटाओ 7 मिल गई, दोनों संख्या यदि गुणनफल पूछ रहा है डियर, 9 7 63, ठीक है भाई। क्वेश्चन SSC DPGT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये मत बोला भैया इजी क्वेश्चन है, मुझे मतलब नहीं है, मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ भैया पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए ताकि आपको सकना हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए फटाफट, और इसको लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इसको लगाने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 2? चलो भी, दो संख्याएं तो 2-3 के अनुपात में हैं, दो संख्याएं 2-3 के अनुपात में हैं, ठीक है जी, 2-3 के अनुपात में हैं। लैसे मैसे का गुणनफल 150 है, लैसे मैसे का गुणनफल 150 है। अच्छा जी, आपसे पूछा है कि संख्याओं का योग कितना होगा, संख्याओं का योग कितना होगा। यार देखो मैं आपको बता दूं, देखो मुझे इतना दिख रहा है कि 30 5 150, ठीक है, आराम से। या तो इसको आप सॉल्व करो, या देखो बाई ऑप्शन लगाओगे तो बहुत जल्दी लग जाएगा। देखो आप 25 को देखो, 25 को तोड़ते हैं, देखो 3 2 5 5 25, तो स्केल कितने का मिला? 5 का, तो एक संख्या 10, एक संख्या 15, और देखो इनका मैसा कितना आया? आप बोलोगे मैसा आया 3। लैसा कितना? आप बोलोगे लैस आया 30। लैस आया कितना भाई? ठीक है, नहीं मैसा आया इनका कितना? 5। लैसा कितना आया? 30, और 3 5 15, 150 इसका आंसर आ गया। लैसा मैसा सेटिस्फाइड तो हो गए, अब जरूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की, ठीक है। बाकी अपना जो भी आप देख सकते हो, ठीक है, एक्स से सॉल्व करना भाई, ये बेनिफिट रहेगा भाई, आंसर से भी लगाना सीखो। क्वेश्चन को जल्दी लगाने की कोशिश कीजिए, बस जल्दी कैसे लगे वो चीज़ हमको देखनी है, जल्दी कैसे लगे वो चीज़ हमको देखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये कस का, ये आपका, हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, लगाइए क्वेश्चन नंबर 3 को फटाफट, क्वेश्चन नंबर 3 को लगाइए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 को लगाइए। 84,000 10% की दर से कम होता है 2 वर्ष बाद, इसका मूल्य बताइए। अच्छा जी, 10% कम हो रहा है, 10% 2 बार कम होगा तो 19% कम होगा ना, होगा या नहीं भी? 19% कम होगा, ठीक है। तो अब आप इसको करोगे कैसे कि भैया मैं 84,000 को 9/10 करूं, 9/10 करूं, 0000 इतना मूल्य हो जाएगा, ठीक है। 9 81 का गुणा 840 में करोगे तो बाद में जीरो जाएगी, 4 एकम 4, बस ये देख लो बाद में 40 आपका कौन से में है। आप कहोगे भैया दो ऑप्शन में आपके बाद में 40 हैं, एक तो है 68 0 40, एक है
86040। तो मेरे भाई एक बात बताऊं मैं आपको, 84,000 का मूल्य है, ये कम करना है, तो एक बात बताइए यार, 86 कैसे हो जाएगा, इतना होगा ना। तो इसका आंसर ये आ गया, मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको, इसको मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। बस मैं तो हिंट पकड़ूंगा और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। कितना टाइम लगा, और यार मैं माइंड में कर सकता था इसको बहुत जल्दी से, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे, आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर चार देख लीजिए भाई फटाफट, क्वेश्चन नंबर चार को लगे रे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर चार को लगाने की कोशिश कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर चार, हाँ जी क्वेश्चन नंबर चार, आज देख लो कितने करवाए आप, ये देख लिए आज 20 क्वेश्चन कम से कम हो जाए आज, ठीक है। 20 क्वेश्चन, 15 तो कम से कम हो जाने चाहिए तुमसे भी, ठीक है। हाँ जी चलते हैं, ठीक है। दो संख्या दो तीन के अनुपात में है, दो तीन के अनुपात में है यार, एम और फिर एम मान लो भाई, दोनों से एक ही कॉमन है, ठीक है, अनुपात में है। पहली में 50, पहली से भैया 50 घटा दो, पहली से 50 घटा दो, दूसरी में 50 जोड़ दो, यार ये जो रेशो मिलने वाला है ना, ये रेशो मिलेगा हमको 1/4, 1/4। अब एक काम कीजिए आप, या तो यहाँ एम का मान निकाल लीजिए, या देखो डायरेक्ट बाई ऑप्शन लेते हैं। अब बाई ऑप्शन को हम कैसे करते हैं, बाई ऑप्शन में आप 250 लेके देखिए, आप जब 250 को दो और तीन में बांटोगे ना, तीन और दो पाँच, पंजे 25, तो एक तो आएगा 100, एक आएगा 150, इससे 50 घटाओगे तो ये तो आ जाएगा 50, वहाँ 50 जोड़ोगे ये आ जाएगा 200, और मेरे भाई रेशियो बन जाएगा 1/4, और मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भैया बन गया इसका आंसर, पहला ही बन गया, ठीक है जी। चलो जी क्वेश्चन नंबर पांच, और एवरेज का क्वेश्चन है, लगाना जानते हैं, क्वेश्चन नंबर पांच को लगाइए आप। लगाइए जी क्वेश्चन नंबर पांच को, फटाफट से लगाइए क्वेश्चन नंबर पांच, लगाइए भाई, लगा लिया होगा। चार भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है, चार भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है, मतलब वो 15 वर्ष के हैं, ये क्लियर नहीं है, लेकिन औसत आयु 15 वर्ष है मैंने मान लिया। पिता की ओर शामिल कर लो तो औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है। भाई मेरे यदि पिता 15 का होता ना तो एक भी ना बढ़ता, तो इसका मतलब पिता 15 का तो हो गई होगा, प्लस पांच पांच, पांचन की ओर बढ़ा दी, तो 5 5 25, ये तो 2 और 1 3, मतलब 40 वर्ष का यहां पिता होने वाला है। एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में पहुंचा गया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं भाई, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। चलो भी आगे बात समझ में भाई, ठीक है, आई बात समझ में, नहीं आई, ठीक है भाई, अभी प्रैक्टिस के लिए एवरेज में पढ़ाऊंगा, जब देखना एवरेज को क्लास में कैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है, रोज रेगुलर क्लास में पढ़ाएंगे उसको तरीके में। अच्छा जी, हाँ जी भैया, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन, भैया 3 रुपए में 7 संतरे बेचे, इस कीमत पर खरीदे हैं। अच्छा ये भैया सीपी है, 3 रुपए के साथ खरीदे, इसने बोला कि यार 100 के कितने बेचूं, 100 संतरे हैं इस कीमत पर, उन्हें इस कीमत पर 100 संतरे बेचने चाहिए ताकि 33% का लाभ हो, ताकि 33.33% होगा अभी शायद, है ना, हाँ, तो मतलब 33.33%, 33.33% आपको पता है 1/3, 3 पर 1 का लाभ लेना है, तो यार 3 की वस्तु 4 में बेचनी है, तो मतलब इसका 4 का वैल्यू हम इधर लेना है 4/3, ठीक है। अब भी गौर देना, देखो 3 से 3 खत्म, आप बोलोगे भैया 4 के साथ, मतलब भैया 4 रुपए के साथ बेचने हैं आपको, 4 रुपए के साथ बेचने हैं। इसने पूछा है कि कितने कीमत पर 100 संतरे बेचने चाहिए ताकि 33% का लाभ हो, भाई 100 संतरे बेचने चाहिए, 3 रुपए के साथ खरीदे हैं, ठीक है, और इसने पूछा है कि हमें यहाँ 40% का लाभ लेना है, 40% का लाभ लेना है, ठीक है, 3 3 तो 3 चौके 12 और 7 3 21, ठीक है, 100 संतरे कितने के बेचने चाहिए। तो भाई अब यहाँ
एग्जैक्ट तो वैल्यू है नहीं भाई, फिर इसको करेंगे कैसे? चलो देख लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं है तो, क्योंकि 12 के 21 है तो ये 3 चौके 12 है, 3 सत्ते 21 है, ठीक है, 21 पंजे 105, या फिर 12 पंजे 60, 21 पंजे 105, 60 रुपये के 105 बेचने चाहिए भाई, 60 रुपये के 105 बेचने चाहिए, तो इसका जो आंसर कितना बनेगा भाई, ठीक है, तो इसका आंसर जो बनेगा भाई वो 60 से तो नीचे बनेगा, फिर एग्जैक्ट इसका आंसर तो बनेगा नहीं भाई, तो कि कट नहीं रहा वैल्यू, ठीक है, तो फिर कितना बनने वाला है? तो भाई आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर ये इतना बनने वाला 21, ठीक है, तो 21 गुणा 100, 21 को 100 बनाना है एम, और फिर उसको 100 बनाना है, जितना भी आए भाई 60 से नीचे आ गया आंसर भाई, आप तो वैल्यू कट नहीं या फिर ऑप्शन गलत लग गया है, ठीक है, वैल्यू शायद कट नहीं रही, बट इतना मुझे पता है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट में आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि देखो पूरा यदि ये 60 बन जा तो दिक्कत होगी। अच्छा 3 के 5 देख लें, यदि 3 के 5 करके देखता हूँ जरा मैं एक बार, 3 के 5 खरीदे हैं, 4/3 जीरो से जीरो, 4/5 और यहाँ गुणा 20 चौक 80, इसे किस कीमत पर 100 संतरे बेचने चाहिए? 60 से भाई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ठीक है, चलो इसका आंसर दो आपका बनने वाला है, फिर इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा, ठीक है भाई, 60 नहीं बनेगा, 58 इसका आंसर बनेगा भाई, एग्जैक्ट 58 का आसपास जाएगा, क्लियर नहीं है, चलो देख लेते हैं जो भी होगा इसमें। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं भाई, आप 7 को देखो फटाफट, इक्कीस बटे सात, इक्कीस 400/7 पंजे 35, ये आपका 7/5 35, 7 7 58 के समथिंग बनेगा, हाँ वही है, हाँ जी क्वेश्चन लगाया भी आपने, 58 के समथिंग बनने वाला भी एग्जैक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख देख लो भी, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लो आप, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भैया बता दो, कितने वर्ष में 5% वार्षिक 3 गुनी हो जाएगी? भैया 5% से कोई राशि 3 गुनी करनी है, मतलब यदि तुम्हें 100 रुपये तुम्हारी राशि हो, तुम्हें 300 करने हैं, कितना ब्याज चाहिए? 200 ब्याज चाहिए, पूरा 200% चाहिए, एक साल में 5% मिल रहा है, तो यार 200 कितने में होगा बताइए आप? आप कहोगे भैया इसका मतलब 5% वार्षिक 3 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में, कितने वर्ष 5% ब्याज दर 3 गुनी हो जाएगी? ये क्वेश्चन मुझे मिस्टेक लग रही है इस क्वेश्चन में, है ना भाई, क्योंकि तो उसका मतलब ही नहीं, कितने वर्ष में, देखो इसने बोला है कि 5% से 200% का ब्याज चाहिए, तो भैया कम से कम ना आपको फिर 40 वर्ष लगेंगे, है ना, 40 वर्ष तो लगे ना, 40 पंजे 240 आना चाहिए, और देखो परसेंट ही पूछा, परसेंट आंसर दिया है, ठीक है चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लिए, ये सीआई का क्वेश्चन है, टाइम क्वेश्चन नंबर, हाँ जी क्वेश्चन नंबर देखिए आप 8 को देखिए, कोई राशि 2 वर्षों में 9 गुनी हो रही है, 2 वर्षों में 9 गुनी, देखो मेरी राशि पी थी, मैंने 2 मल्टीप्लाई फैक्टर लगाए 1 से और मुझे मिला 9, 1/9 क्योंकि पी का 9 हो गया। इसने पूछा है कि भैया मैं एफ स्क्वायर का मतलब देखूं तो मतलब मेरा बन जाएगा 9y1 और एफ का मतलब देखूं तो मैंने फैक्टर लगाया 3/2 क्योंकि वो ये बन जाएगा इसका वर्गमूल, तो मतलब है कि 3/1 का फैक्टर लगाया मैंने, कितना बढ़ाया मैंने आपको भैया, आपने 2 बढ़ाया, ठीक है मुझे 2 ब्याज मिला भी,
ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि मैंने एक को कितना कर दिया डियर, एक को 3 कर दिया, मतलब 2 बढ़ा दिया भाई, तो मतलब एक पर 2 बढ़ेगा तो कितना परसेंट मिलेगा, 200% इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है डियर, 200% इसका आंसर बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फटाफट, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। एक डीलर दो 20,000 के अंकित में 10% दो बट्टे, हाँ जी एक डीलर है 20,000, ठीक है भैया देखना जरा गौर से, 20,000 मैंने कोई गाड़ी खरीद ली, 20,000 की गाड़ी तो नहीं आएगी यार, 20,000 की चलो मोटरसाइकिल खरीद ली 20,000 की, ठीक है। अब 20,000 की मोटरसाइकिल खरीद ली और भाई 10% और 8% की तो छूट मिली उसका अंकित मूल्य पर, ठीक है। तो देखो 10% यहां से इसका घटा भी दूं तो आप बोलोगे भैया 18% बचा है ना, 10 18,000, तो 2,000 तो घट गया। अब मुझे इस पर भी 8% की छूट मिली, अब देखना जरा गौर से, इस पर 8% की जो छूट बनेगी ना वो बनेगी कितनी, 1440 रुपये, ठीक है, यानी 1440 में घट के मिली। उसने बोला कि 1440 और लगा दिए, ये 1440 है, इतने मरम्मत में लगा दिए, तो इसका तो मतलब ही ना फिर भाई, जो छूट मिली पीछे से यार इतना रुपया तो उसमें लग गया, ठीक है, तो इसका तो मतलब ही ना, तो मतलब मुझे वस्तु कितने में पड़ी, 18,000 में, वस्तु बेचे कितने की मैंने, उसने बोला कि 20,000 में, तो यार मुझे तो 2,000 बच गया 18,000 पर, या बोले तो 1/9, और 1/9 का मतलब डियर क्या होता है, 1/9 का प्रतिशत में मतलब होता है 1/9 × 100, बोले तो 11.11% प्रॉफिट में जाएगी गाड़ी, तो इसका मतलब आ जाएगा सी 11.11% SSC CHL 2019। या आप इनमें ज़्यादा टाइम लगाओगे ठीक है, जरूरत नहीं है, 20,000 का 18,000 किया, 18,000 पर भैया 1440 दे दिए, और 1440 में उसने बोला कि ये तो लगा दिए, तो मैंने वो फिर लगाए ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं भाई मेरा 10 की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फटाफट, मिश्रण एलिगेशन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए भाई, दूध तथा पानी के 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध है, मिश्रण में कितना कितना पानी कितना में दूध, अच्छा पानी के प्रतिशत को 80% बनाने के लिए कितना लीटर दूध मिलाया जाए, कितना लीटर दूध मिलाया जाए, चलो देखना जरा गौर से, दूध पानी के 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध है, 10% दूध है, तो 90% क्या है आप बोलोगे पानी, इसमें बोला कि पानी के प्रतिशत को 80% बनाना है, यार पानी के प्रतिशत को 80% बनाना है ना, तो दूध को 20% भी तो बनाना है, और कितना दूध मिलाऊं, कितना उसमें प्योर दूध मिलाऊं, तो प्योर तो फिर पूरा 100% ही मिलेगा मेरे भाई, या नहीं समझे भाई, प्योर तो पूरा 100% दूध मिलेगा, ये लो ये बन गया 100% दूध, ठीक है। अब इसको एलिगेशन लगाए थे मैं कैसे, 0 0 0, यहां बनेगा 8, यहां बनेगा 1, 8 लीटर मिक्सचर हो तो 1 मिला दो और 80 लीटर हो तो 10 मिला दो, आंसर बनने वाला है इसका 10, कितना बनेगा भाई 10 लीटर आप उसमें मिला सकते हो, ठीक है। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 11, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 टाइम एंड वर्क क्वेश्चन है, एक किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, अच्छा जी एक किसी कार्य को 10 दिन में पूरा, ये तो हो जाएगा भाई, एक किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है भैया दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया तो बचे हुए कार्य का अंश मतलब बचे हुए कार्य का फ्रैक्शन कितना होगा, यार कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है कितना होगा 3/4,
16%। चलो देखो फटाफट भाई कितना माने, 30 10 या 15, दोनों एक दिन में पांच खंभे बना सकते हैं, दोनों एक दिन में पांच खंभे बना सकते हैं। और भैया इन्होंने खंभे बनाए 5 दिन तक, तो यार 25 खंभे बन गए। कितने में से, 30 में से बचे कितने, पांच। कितने में से, 30 में से। तो फ्रैक्शन में देखा तो 1/6 भाग बचा, 1/6 बचा ना। हाँ जी बिल्कुल, 1/6 बचा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, वो भी रेलगाड़ी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। एक रेलगाड़ी एक समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 घंटे का कम समय लगता है, रेलगाड़ी की गति कितनी होगी? 360, 3 से 12, 4 से 9, 3 घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो कैसे, इधर देखो, दिखाता हूँ मैंने कैसे सोचा। देखो 360 किलोमीटर की दूरी थी, ठीक है, इससे पहले पी स्पीड से तय कर रहा हूं, इससे पहले पी स्पीड से तय कर रहा हूं, कुछ टाइम लग रहा है मुझे, मुझे यहां टी टाइम लग रहा है, मुझे यहां टी टाइम लग रहा है। माइनस इसे यदि मैं 360 अपॉन टी प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दूं, घटा दूं, तो यहां भाई मुझे 3 घंटे कम लग रहे हैं, तो मतलब यहां मुझे टी माइनस 3 लग रहा है, टी माइनस 3 लग रहा है। ठीक है डियर, अब इसने इन टी और टी माइनस 3 का अंतर मेरे को मिलता है 3, मेरे को मिलता है 3। ठीक है भाई, चलो अब मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं, ये टी, चलो इसको टी मान लें, ऐसे सॉल्व करूंगा तो इक्वेशन बनेगी। तो कोई ऐसा नंबर ना ले लूं टी की जगह कि यहाँ 3 दे दे, स्पीड कोई मान लो, अच्छा स्पीड मान नहीं सकूँ, कैसे मानोगे, कोई भी स्पीड ऐसी मानो कि उसको रखकर भी 360 कटे और उसमें 10 रखकर भी 360 कटे। अब देखना जरा गौर से, देखो जरा 25 को रखना, 25 को रखो, फिर 35 को रखे, 35 में 7 हो जाए बिल्कुल ना कटेगा, उसके बाद 40 को रखो, 40 से कटेगा लेकिन 50 से भैया वो नहीं कटेगा। अब 30 को रखना, 30 से बिल्कुल कटेगा, कितना आप बोलोगे भैया ये कटेगा 12, और वो कटेगा 30 और 10 40 9, और जरा अंतर देखना 3। कितना टाइम लगा, सोचने में टाइम लगा, करने में टाइम नहीं लगा बिल्कुल। अरे ये ना बात समझने, भाई देखो मैं आपको बता दूं, हो सकते हैं मेरे करने के तरीके थोड़े से आपसे अलग हो, ठीक है, लेकिन भाई जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं ना, आप रेगुलर बैच देखना, तब बहुत ही धीरे धीरे से पढ़ाता हूँ और बड़े ही आराम से समझाते समझाते पढ़ाता हूँ। ठीक है, जितना मुझ पे आता है ना वो उतना पढ़ाता हूँ, जितना भी मुझ पे आता है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ। और मुझे पता है यार इन छोटे मोटे सवालों के लिए ना, मतलब गणित को मजबूत करने के लिए, बेसिक्स मजबूत करने के लिए इतना ही काफ़ी है। देखो मैं जाना जाता हूँ केवल केवल बेसिक मजबूत कराने के लिए भी, ठीक है, मैथ्स और जिन्हें डर होता है ना मैथ्स और रीजनिंग का, मैं वो निकालने की कोशिश करता हूँ उनके अंदर से, चाहे उसका तरीका कुछ भी हो, फिर और मेरे कुछ फंडे होते हैं मैं इन चीज़ों को सोचने के। ठीक है, चलो भाई उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, सेशन को पसंद आ रहा है लाइक करना, ठीक है, और जाते वक्त ना फीडबैक जरूर देके देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, फीडबैक नहीं देते अभी, वीडियोज़ को देखते हैं कम से कम 100-150 लोग और कमेंट मेरे पास आती है 15 से 20 से। ठीक है, मुझे आप क्या सोचते हो कि कमेंट से कुछ पता लग, अरे कमेंट से ये पता लगता है कितने लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी, ठीक है, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 14 की तरफ, 14 को लगाइए क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक लड़का 5 किलोमीटर, अच्छा इसको देखना जरा गौर से, देखो स्पीड और टाइम के रेशो से करूंगा, एक लड़का 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है,
तो 3 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब पहुंचना उसको यहाँ है इस टाइम पर, ये टी मान लूं, और भैया पहुंचता कहाँ है यहाँ, ये उसने 3 मिनट फालतू ले लिए हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसने पूछा कि, और जब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा देता है तो इसका मतलब है स्पीड को 5 से 9 कर देता है, तो वह 3 मिनट पहले पहुंचता है। तो देखो अब भैया फिर यहीं पहुंचता है, तो आप मुझे एक बात बताइए, उसने टाइम कितना बचा लिया? आप कहोगे भैया उसने बचा लिया 6 मिनट, 6 मिनट बचा लिए ना यार, 3 तो वो जो अपने लेट की कंप्लीट करो, 3 वो जो पहले आया, तो 6 मिनट बचा लिए अपने। अच्छा अब स्पीड के रेशो 5:9, टाइम के रेशो इसके उल्टे होते हैं, भी उल्टे होते हैं 9:5, रेशो की कहानी में कितना बचाया 4, एक्चुअल में कितना बचाया 6, मतलब एक पॉइंट का वैल्यू कितना आ गया भैया, एक पॉइंट का वैल्यू आ गया 1.5 मिनट। तो मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 गुणा 1.5 मिनट में उसने इतनी दूरी तय करी। इसको सॉल्व कर दीजिए भाई, ठीक है, और ये डियर आपको ये मिनट है, इसे घंटे में चेंज कर लीजिए आप, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा 10 आपका, ठीक है, ये आ जाएगा 5 × 10, ये आ जाएगा 15 × 4 = 60, ठीक है, ये आ जाएगा 9/8, 9/8 का मतलब समझते हो 8 × 1 = 8, और ये आपका 1/8 का मतलब तो डियर 12.5 होता है, और ज़रा एक के बाद 12 25 कहाँ लग रहा है, एक के बाद आपको सी में देख लीजिए, आपको 12 1.125 देख रहा है आपको, ठीक है, सी इसका आंसर बन जाएगा अभी, ठीक है भाई। ट्रिक भी होती है इसकी, लेकिन मुझे पता ही नहीं, ट्रिक तो भूलने के लिए होती है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए होते हैं, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर चलते हैं भाई 15 की तरफ, ठीक है, 15 को देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपसे भैया, ये कह रहा है कि एक आदमी धारा के विपरीत 11 किलोमीटर की दूरी 5 में तय करता है, धारा की दिशा में 26 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, ठीक है, 26 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। आपसे पूछा है कि धारा की चाल बताइए, तो मैंने बताया दोनों ये होगी उनकी चाल, ठीक है, आप करोगे क्या, आप घटा के हाफ कर दीजिए, तो पहले तो इसको इसमें से घटाइए, आप बोलोगे भैया ये जो बनने वाला है 5 5 नीचे आ जाएगा 5, 26 में से 11 गई, आप बोलोगे भैया कितना बचेगा 15 बचेगा, और इसका फिर हाफ करना है, तो 5 × 15 और 3 का हाफ करोगे तो 1.5 km/h, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ऑप्शन में हैगा जी सी, SSC MTS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को लगाइए भाई, टाइम 40 मिनट तक जाएगी, क्वेश्चन नंबर 16 को लगाइए, क्वेश्चन नंबर 16, कमल की वर्तमान आयु, ठीक है चलो भाई, कमल और उसका सन, कमल की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 4 गुना है, कमल की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 4 गुना है, 20 वर्ष पश्चात वह पुत्र की आयु से केवल 2 गुना हो जाएगा, 20 वर्ष बाद 20 वर्ष ये बढ़ेगा 20 वर्ष ये बढ़ेगा 2 गुना हो जाएगा, यार 20 वर्ष बाद अंतर तो सेम ही रहेगा दोनों में, क्योंकि तो मैं आपसे आज 3 वर्ष बड़ा हूँ तो 20 साल बाद भी 3 वर्ष बड़ा, 20 साल पहले भी 3 वर्ष बड़ा, तो जरा अंतर देखिए, 20 साल पहले 3 का अंतर रेशियो में, आज 1 का अंतर तो है, इसको 3 का बना लीजिए, कैसे करूँ, दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6 और 3 × 1 = 3। अच्छा रेशो की कहानी में कितने बढ़े, आप बोलोगे 2 पॉइंट बढ़े, और एक्चुअल में कितने 20 वर्ष बढ़े, तो 2 पॉइंट का वैल्यू 20 वर्ष, 2 पॉइंट का वैल्यू 20 वर्ष, 1 पॉइंट का वैल्यू 10 आ जाएगा, तो 1 पॉइंट का वैल्यू, तो ये है 40 और ये है 10 का। अब पूछा क्या भैया, इसे पूछा कि पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष आ जाएगी, ठीक है। चलो जी चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए इसको,
क्वेश्चन नंबर 17, रोहित सोनू एक व्यवसाय में भागीदार, एक ही कंसेप्ट है, जो जितना लगाएगा उतना पाएगा, ठीक है, जो जितना लगाएगा उतना पाएगा। रोहित और सोनू, ये रोहित ये सोनू, इस तरह वजह कि ये लगाता है 15,000 चार महीने के लिए, वो लगाता है 10,000 तीन महीने के लिए, 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, ठीक है, तो मतलब 2:1 के रेशो में बटेंगे, प्रॉफिट कितना हुआ 90,000, इसको मिलेंगे 6, उसको मिलेंगे 3, इसको मिलेंगे 60,000 या 6,000, दो भी आंसर आ गया डी, आंसर आ गया डी, इसका करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो दिख रहा है मुझे, आंसर आ गया भी इसका डी, ठीक है। चलो चलते हैं अगली तरफ, क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए आप, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 का है भाई, इसमें टाइम ही लीजिए थोड़ा, 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन है, ठीक है, सभी को कीजिए आप। चलो जी देख लेते हैं फटाफट, इंग्लिश में उसको 80 मिले हैं, विज्ञान में उसको 75 मिले हैं, गणित में उसको 90 मिले हैं और सोशल साइंस में उसको 73 मिले हैं और कंप्यूटर में उसको 92 मिले हैं, ठीक है। तो भाई मैं बता दूं, देखो मैंने 5 परीक्षाएं दी, 5 पेपर दिए, गणित में मुझे 90 अंक मिले, विज्ञान में 75 मिले, इंग्लिश में 80 मिले, 100 में से, ये डियर सब 100 में से हैं डियर, ठीक है, सब 100 में से, ठीक है, सबके नीचे 100 में लगा भी सकता हूँ, ठीक है, जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इसने पूछा है क्या, देखो अमन ने गणित तथा विज्ञान में कुल कितने अंक प्राप्त किए, गणित तथा विज्ञान में, तो गणित तथा विज्ञान में भैया इतने तो प्राप्त किए, तो इजी वाला है, 9,765 अंक प्राप्त किए, कौन सा बना बी, सभी 5 विषयों में अमन ने कितने औसतन अंक प्राप्त किए, इसको देखना जरा गौर से, सभी 5 विषयों में कितने औसतन अंक प्राप्त किए, ठीक है, इसको कितना आपने इसका बना भाई, 15, 17, माइनस का 1, प्लस का 3, ठीक है, उनका 2, 14, 2, 16, ठीक है। चलो भी देखो भी मैं कुछ कर रहा था, सभी 5 विषयों में, अब देखो करना क्या है भी, देखो आप सभी को जोड़ दीजिए, आप जितने भी हैं सभी को जोड़ दीजिए आप, ठीक है, और सबको जोड़ के 5 का भाग लगा दीजिए, या वेरिएशन से कर सकते हैं भाई, ठीक है। करना क्या है कि आप औसतन आप ना 80 मान लीजिए, देखो आप सपोज करो आपके एवरेज रहे 80, तो देखो उसने सामाजिक विज्ञान में ना 7 अंक कम प्राप्त किए और उसमें 10 अंक ज़्यादा प्राप्त किए, और यहाँ 5 अंक कम प्राप्त किए, और यहाँ तो भाई 0 आएगा, और यहाँ 12 अंक ज़्यादा प्राप्त किए। तो देखो अब करना क्या है, एक काम करना है आप, ठीक है, अब आपको एक काम करना है, सिर्फ इन सब में सिर्फ आपको 5 का भाग लगाना है बस। तो देखो 7, 5, 12 से ख़त्म, आपका बचा कितना 10/5 आया 2, मतलब 80 ये और वेरिएशन का 2, ओवरऑल 82 इसका आंसर आ गया, ना जोड़ो तो 82 इसका आंसर आ गया ए। अमन ने कंप्यूटर गणित तथा सामाजिक विज्ञान में कितने औसतन अंक प्राप्त किए, गणित और औसतन अंक प्राप्त किए, ठीक है, आप इसको भी कर सकते हो भी आराम से, ठीक है, सभी तीनों को जोड़ो, 3 का भाग लगा दीजिए। अमन द्वारा गणित में प्राप्त अंक विज्ञान में कितना, यानी गणित में विज्ञान से कितने प्रतिशत ज़्यादा हैं, देखो गणित में विज्ञान से कितने प्रतिशत ज़्यादा हैं, विज्ञान में आए 75, गणित में आए 90, ज़्यादा कितने हैं 15, किससे, विज्ञान से 75, तो 15 × 5 = 75, 5 से 20% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, आंसर बन गया सी,
आंसर बन गया सी। ये रहे आपके सारे क्वेश्चन आज प्रैक्टिस के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कम से कम 15 से 20 के बीच आपके सही हुए होंगे, और नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं है भी, ठीक है। देख लीजिए तरीका, मैं यही बोलता हूँ भाई, देखो प्रैक्टिस डेली करते रहिए। इस वीडियो को, प्रैक्टिस वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना, रेगुलर वीडियो आपको कल से मिलने लगेगी, ठीक है भाई, जरूर। तो चलो भाई, मिलते हैं फिर आपसे, ठीक है, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, थैंक यू, बाय। और हाँ भाई, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और पुराने हो तो लाइक और कमेंट्स ओनली, बस यही तो मांगते हैं भाई आपसे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।